आखिर क्यों अभिनेता धर्मेंद्र बन गए सलीम, बदल लिया नाम और उगा ली दाढ़ी। खुद धर्मेंद्र ने ऐलान कर सबको चौंका दिया। धर्मेंद्र की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में वे सूफी संत के अवतार में दिख रहे हैं। धर्मेंद्र की ये तस्वीर देखने के बाद फैन सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है और आखिर ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तस्वीर में वे लाल रंग की पोशाक में दिख रहे हैं। इस लुक में धर्मेंद्र को पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। धर्मेंद्र ने खुद तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर ऐलान किया है कि वो अब सलीम बन गए हैं। पर क्या हकीकत में धर्मेंद्र ने अपना नाम और पोशाक बदल लिया है? तो चलिए आपको हकीकत से वाबस्ता कराते हैं। दरअसल वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड में धर्मेंद्र एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का किरदार निभा रहे हैं। धर्मेंद्र की ये तस्वीर ताज डिवाइडेड बाय ब्लड सीरीज की ही है। 70 और 80 के दशक के सुपरस्टार धर्मेंद्र अब फिल्मों में कम ही नजर आते हैं और वह अपना ज़्यादातर वक्त फार्म हाउस पर ही बिताते हैं। और अभी धर्मेंद्र 87 साल के हैं। धर्मेंद्र ताज डिवाइडेड बाय ब्लड से OTT डेब्यू करेंगे और सूफी संत सलीम चिश्ती का किरदार निभाएंगे, जिसके लुक से जुड़ी तस्वीर शेयर की है और फैंस को सीरीज में अपने रोल के बारे में बताया। शेख सलीम चिश्ती के रोल में वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे हैं। लंबी सफ़ेद दाढ़ी और पगड़ी में उनका लुक मुगल शासक के दौर से काफ़ी मेल खा रहा है। पोस्ट शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने लिखा कि दोस्तों, मैं शेख सलीम चिश्ती का किरदार निभा रहा हूँ, जो कि एक सूफी संत थे। सीरीज में मेरा रोल बेहद छोटा है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। इस किरदार के लिए मुझे आप सभी की शुभकामनाएं चाहिए। धर्मेंद्र ने सीरीज से जुड़ा एक और लुक शेयर किया और लिखा, ये मेरा दूसरा लुक है, उम्मीद है आपको पसंद आया है। इस सीरीज में नसरुद्दीन शाह, धर्मेंद्र और आदिति राव हैदरी मुख्य भूमिका में है। वही आसिम गुलाटी भी इस सीरीज में नजर आने वाले हैं। इस सीरीज में नसरुद्दीन शाह अकबर की भूमिका में है, अदिति राव हैदरी अनारकली की भूमिका में है, वही आसिम गुलाटी सलीम के किरदार में नजर आएंगे। OTT प्लेटफॉर्म G5 की ओरिजिनल वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में रोमांस, ड्रामा और एक्शन भी नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि ये वेब सीरीज 3 मार्च 2023 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसे ही चटपटे चुलबुले फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।